नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्कार आदि। दुनिया में जोड़ियों में राइटिंग, म्यूजिक डायरेक्शन, प्रोडक्शन का काम तो बहुत लोगों ने किया है, पर जोड़ियों में फिल्में डायरेक्ट करने का काम इन्होंने शुरू किया। अक्षय कुमार को खिलाड़ी से, शाहरुख खान को बाजीगर से, प्रियंका चोपड़ा को ऐतराज से, दीपिका पादुकोण को रेस 2 से, एंड बॉबी देओल को सोल्जर से नई इमेज और नया अवतार जिन्होंने दिया वो हैं ये दोनों। क्या बात है! और सबसे बड़ी बात कि जितनी जबरदस्त एक्शन पैक्ड इनकी थ्रिलर्स होती हैं, उतना ही खास उनमें म्यूजिक होता है। खिलाड़ी, बाजीगर, बादशाह, दरार, सोल्जर, रेस, रेस 2, हमराज, 36 चाइना टाउन, किसी का भी म्यूजिक ले लीजिए, सबके सब चार्ट बस्टर्स रहे हैं। पहली बार किसी टैलेंट शो में अब्बास भाई और मुस्तान भाई आए हैं, एंड दैट्स सच अ ह्यूज ऑनर फॉर अस। तो थैंक यू सर इंडियन आइडल को चुनने के लिए। अरे भाई, बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। हम लोग बिहाइंड द कैमरा शूट करते हैं, आज कैमरा के सामने खड़े होकर थोड़ा नर्वस भी हो रहा है। हमारे कंटेस्टेंट इतने एक्साइटेड हैं सर आपसे मिलने के लिए। आप लोग से तो मिलने आए हम लोग। इन लोग सब कमाल कर रहे हैं कि हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं, लेकिन आज पर्सन मिलकर इन लोगों को कमाल लग रहा है। आप दोनों 64 साल से एक दूसरे के साथ हैं, आपस में कभी अनबन भी होती होगी कि यार आपकी शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद कैसे है, ऐसा कभी हुआ है सर? हमारे घर में ढेर सारे व्हाइट कपड़े हैं। क्या बात है सर! हाँ, लेकिन लिखा हुआ है सब AM। अच्छा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अब्बास और मुस्तान भाई के लिए। हमें टॉप 10 मिल चुके हैं, जजेस आज और कल सिंगर्स के परफॉर्मेंसेस पर करेंगे स्कोर्स, और कल हमें मिल जाएंगे टॉप 9। बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को, सोनाक्षी कर। Shut
क्या बात सोनाक्षी, वेरी गुड वेरी गुड. बहुत अच्छा, इतना मेलोडियस गाना इसने इतनी अच्छी तरीके से गाया आपने, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. बहुत अच्छा कमाल. व्हाट अ वेरिएशन. ये गाना कब बना था सर, ये कौन से साल में था, आपको याद है? ये गाना बना रहा है 1993. और सोनाक्षी आप 1993 में कहाँ थी? नहीं थी ना. आपका जन्म कौन से साल में हुआ? कौन से साल में हुआ? 2003. इस गाने के जन्म के 10 साल बाद सोनाक्षी का जन्म हुआ. अरे बाप रे बाप. बट कमाल है, बिकॉज यू नो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो उम्र को, जेनरेशंस को पार कर जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं. और ये एक ऐसा गाना है. आपकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ऐसी ही थी कि मतलब जो भी सुनेगा उनके दिल पे जरूर छाप छोड़ जाएगा. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. जजेस सोनाक्षी की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज. जी सर. कहीं मैंने ये भी सुना है कि बाजीगर फिल्म पहले अनिल कपूर जी और सलमान जी भी करने वाले थे और इनफैक्ट श्रीदेवी जी भी इसमें होने वाली थी. हाँ हाँ. अरे वाह. जब ये स्क्रिप्ट बनी जी सर, तो ये रोल ऐसा था कि भाई हमने अनिल कपूर साहब को मिले, मुलाकात की, बहुत अच्छी तरीके से मिले और बहुत अच्छे उन्होंने जेस्चर दिखाया, तो उन्होंने नहीं की बोला उनकी इमेज में उनका फर्क पड़े. फिर सलमान के साथ ऐसा था कि वो राजश्री की फिल्म कर रहे थे. करेक्ट. तो सब फैमिली ओरिएंटेड फिल्म थी, तो शायद हो सके कि ऐसा भाई वो उनको सूट नहीं करेंगे. फिर हमने इन शाहरुख को अप्रोच किया, तो उन्होंने हमारे जबानी कहानी सुनी एक ही बार में. उसी वक्त उन्होंने बोला आई एम डूइंग द फिल्म, मुझे बहुत अच्छी लगी और उस तरीके से उसने फिल्म की. क्या बात है, और क्या फिल्म की. अब्बास भाई, मुस्तान भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां. क्या फिल्म है, क्या किरदार, क्या म्यूजिक. और अब परफॉर्म करने आ रही हैं खुदार कन्या काव्या लिमहे. मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, दुनिया चली तो चले, प्यार
खाली खालियां हैं क्या बात है क्या गाने हैं सर काली काली आंखें वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एवर एक बात बताओ काव्या हम लोग नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं हम लोग इतने साल पहले 25-27 साल पहले गाना सेट पे किया था आज सेट पे सेम वो काजोल थी वो शाहरुख थे आज काव्या है हाय हाय क्या बात है बहुत अच्छा गाया तुमने वेरी गुड तू कमाल नी सिंगर छे हाँ थैंक यू सर सर तुम्हारी बहुत मोटी फैन जो बहुत बता रहे मोटी कहाँ आप इतनी पतली हैं हम लोगों भी फैन जी हाँ अरे अच्छा आ सॉन्ग काजोले परफॉर्म करूँ तू व्हेन हमारी फिल्म जाने साइन करी काजोले तो शी वाज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड हाँ तो वो तो उसने अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया तो उसकी मम्मी ने किया था कॉन्ट्रैक्ट साइन उनको अगर एक्टिंग बोलो तो नहीं वो खुद इतनी नेचुरल है कि उसके अपने आप में सीन दे दो ना वो अपने आप कर दिया फिर उसके अंदर कुछ हमारी काव्या को भी कोई भी गाना इंस्टेंटली दे दो तो मैं कह सकता हूँ कि वो 2 मिनट में कोई भी गाना पिकअप सेंस जो काव्या का है ओ माय गॉड आउटस्टैंडिंग अच्छा ये काली काली आंखें गाया तुमने बहुत अच्छा लगा ये गाना हमारे एक रेस फिल्म का टाइटल सॉन्ग है अरे ये तो विशाल ने गाया यार अरे विशु सर अरे तो फिर ये और बिल्कुल दोनों हो जाए ना दोनों का हो जाए क्या बात कही है सर बस अभी के अभी ये होगा जिस सांसों की जिस चाहत की जिस धड़कन की माय हार्ट इज रेसिंग ऑन जिस सांसों की सर बात है क्या गाना गाया आपने मजा आ गई और काव्या तुमने मौसम बदल दिया जिनसे रिजेक्ट होना है अब कई लड़कियों के प्रेस्टीज का सवाल सख्त लड़के की मिसाल चिराग कोटवाल जाना तुमसे प्यार हो जाएगा क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार हो जाएगा रहने दे, दिल के बाजे वरना पछताएगा तुमसे प्यार हो जाएगा क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार हो जाएगा क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार हो जाएगा सदके मैं जाऊंगा तुझ पे लुटाऊंगा सदके मैं जाऊंगा मुझसा है आशिक कहां क्या खबर थी जाना तुमसे प्यार हो जाएगा ला 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 ला
सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन। कमाल ये पैदा करता है लाखों सवाल, ये इश्क विश्क तो यार बड़ा है कमाल, ये पैदा करता है लाखों सवाल। अब दूर नहीं रह सकता एक दिन, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन। बर्दाश्त, बर्दाश्त तो तुमने इतना अच्छा गाया है कि मुझे लगता है कि मैं वहां पर आकर उन यादों को ताजा कर दूं जो अब्बास भाई मुस्तान भाई की वजह से रंगीन हो गई थी। दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। लेकिन तुम्हें है कोई जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? मैं ये कहने ही वाला था कि अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ओए, ये एक बहुत ही दुख भरी दास्तान है। प्लीज वहां पर देखिए, देखिए काव्या लिमय हैज अनफॉलोड चिराग कोटवाल ऑन इंस्टाग्राम। आज के समय में ब्रेकअप से भी ज्यादा कुछ चुभता है तो वो है अनफॉलो। मैं काव्या से जानना जरूर चाहूंगा कि काव्या आपने चिराग को अनफॉलो किया क्यों? इतनी नफरत क्या इसीलिए क्योंकि उन्होंने सख्ती दिखाई तो आप भी अपनी सख्ती दिखाना चाहती हैं? बिल्कुल भी नहीं, सख्ती दिखाने के लिए नहीं, और चिराग से मैं बिल्कुल नफरत नहीं करती, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सब कुछ एकदम अच्छा है। पर मैं जस्ट ऐसा फील करती हूँ कि उसमें ना आजकल थोड़ी सी अकड़ आ गई है, मतलब वो एरोगेंस में घूमता रहता है जब से लड़कियों ने बोलना शुरू किया कि मुझे रिजेक्ट करो ये सब। मतलब उसने राखी वाखी बांधी, रिजेक्ट किया, सब ठीक है, छोटी मोटी बात है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें जो एरोगेंस आ गया ना वो मुझे पसंद नहीं। ओहो, यानी कि जिस दिशा में चिराग की सख्ती जा रही है वो दिशा काव्या पसंद नहीं करती है। मैं तो ये कहूंगा कि चिराग को ये कहना चाहिए कि ये तो मेरी नरमी का स्टाइल है, अभी अकड़ का स्टाइल दिखाऊंगा। और तुमने मेरी नरमी के स्टाइल में ही मुझे अनफॉलो कर दिया है। आगे आगे देखो क्या होता है, अकड़ इसमें भी आई है। वो शायद जो तुझमें आई वो तुझे दिख रही है, मेरे से रिफ्लेक्ट हो रही है। तुझमें आपसे तू तड़ाक शुरू हो गया है सर, पहले इतनी रिस्पेक्ट, इतना आदर करता था काव्या आपसे, अभी ए तू तू तटिटिटिटिटा। माय गॉड, आई डोंट नो अगले हफ्ते तक ये कहानी कहाँ जाएगी। और चिराग, मैंने सुना है कि आप काव्या के लिए गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। खुद को क्या समझती है इतना करती है, आइडल में नहीं नहीं आई एक लड़की है, ओ यारो ये हमें लगती है सखरी, आओ चखा दे मजा। खुद को क्या समझता है इतना
चिराग, ऑल द बेस्ट, तुमने हिला के रख दिया है, वेरी नाइस, थैंक यू चिराग, थैंक यू सर। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मेसी क्या सोच रहे थे? यही कि कौन है जो विदिप्ता को अपना इंस्पिरेशन मानता है, जो अपने इस क्रेजी फैन के सपनों में दिन रात विचारती विदिप्ता चक्रवर्ती। सुपर्ब, बहुत अच्छा गाया है। जितनी सुंदर तुम लगती हो उतना ही सुंदर गाना गाया तुमने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उस फिल्म में काजोल ने भी गाउन पहन के गाना गाया था, तुमने भी ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे ही कॉस्ट्यूम पहना है, तुम ऐसे ही लग रही हो कि वो हीरोइन लग रही हो। क्या बात है, तुम सिंगर के साथ साथ एक बहुत अच्छी परफॉर्मर हो, और वो बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के जमाने में It's not only about playback, it's also about being a great performer, which you are. Thank you, sir. और मैं तो ये कहता हूँ कि इजहार मोहब्बत कर ही दो, अगर करते तो कैसे करते वो सोच कर कर लो। आओ ऋषि, आओ। सर अपने स्टाइल में करना चाहूंगा। अपने स्टाइल में कर दो। अपने स्टाइल में, चलिए हो जाए।
Give me your hands, sir. काल्पनिक तरीके से हाथ मिला लिया गया है. सुनो, पहले दिन से ही जब से मैं तुमसे मिला हूं तो तुमको बहुत पसंद करता हूं. वाओ यार, क्या काल्पनिक शुरुआत है. और शायद कुछ ना कुछ तो मैं ढूंढता हूँ तुम्हें. वो मिल तो नहीं पाता, पर मैं उसको बरकरार रखना चाहता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है. पर ऐसे डायरेक्टर मैंने क्या देखा कि प्रपोज करके लास्ट लाइन में नजदीक आना चाहिए तो तुम दो कदम पीछे चले गए. सर आप करो ना डायरेक्ट, एक बार अच्छे से ये सीन डायरेक्ट करो. एक्चुअली हो जाए. हीरो थोड़ा भोला है सर. कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है. कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. वाओ यार वाओ, क्या बात है. अच्छा लगा यार, अच्छा लगा. ये काल्पनिक प्रेम देखकर हमें भी काल्पनिक मजा आया. थैंक यू ऋषि, सो सपोर्टिंग. सर मैंने एक कहानी सुनी है, क्या ये सच है कि जब शाहरुख सर को बाजीगर के लिए अवार्ड मिला था तो वो अवार्ड जीतकर वो सीधा आपके घर पे आए थे? हाँ जी, हाँ जी आए थे. वो आए फिल्म फेयर अवार्ड में. क्या जी, हम तो नए नए थे तो सब फ्रंट रो में बैठे थे, VIPs. हम सबसे लास्ट रो में बैठे थे. तो जब उनको अवार्ड मिला, उस फिल्म को 9 से 11 फिल्म फेयर अवार्ड मिले. क्या बात. फिर हम तो जो प्रोग्राम खत्म हुआ तो आफ्टर पार्टी थी, तो सब लोग ने एंजॉय किया. हम तो सीधे घर चले गए. घर चले गए और जाके तो फिर सो गए हम लोग. सुबह 4 बजे घर पे नॉक हुआ तो अब्बास भाई के मिसेस ने दरवाज़ा खोला. अरे आके नींद से उठाया हमको कि वो शाहरुख खान आए हुए हैं, ये हाथ में ट्रॉफी लेके. क्या बात है. तो हमको नींद से उठे, देखा, उन्होंने बोला अरे अब्बास भाई आके उन्होंने हमारे पैर छुए और बोला मैंने पूरी फैमिली आई थी, प्रोड्यूसर्स आए हुए थे, अन्नू मलिक साहब आए हुए थे, सब आए थे. शाहरुख ने कहा कि मैं गौरी के पास जा नहीं सकता, घर नहीं जा सकता जब तक मैं आपकी ब्लेसिंग्स नहीं ले लूँ. ट्रॉफीज फॉर यू, इसे करके हमको बोला. और उसके बाद वो घर गए. नहीं तो, उनकी ग्रेटनेस है. हम लोग ये प्राउड कभी नहीं फील करते कि अच्छा शाहरुख खान हमारे घर पर आया था, लेकिन उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने ऐसा अच्छा जेस्चर दिखाया. बेशक. अब्बास जी, मुस्तान जी, बाजीगर के बाद काजोल आपसे बेहद नाराज थी. और ऐसे एटीट्यूड करके वो साइड में खड़ी थी. क्या आपको पता है कि इस बेरुखी की वजह क्या थी? उनका कहना था कि जब 9 साल बाद शिवम जैसा हंक पैदा होने वाला था तो आपने SRK के साथ फिल्म बनाकर उनके डेट्स क्यों वेस्ट किए? घूम फिरकर हर एक्ट्रेस शिवम पर ही क्यों आती है? कैसे शिवम, कैसे, क्या तुम चुंबक हो शिवम? तुम्हें क्या ज्यादा विटामिन सी है शिवम? शिवम बाजीगर में, बाजीगर
वालों का मैं दिलबर। शिवम सुपर वेरी गुड शिवम। लेकिन एक बात है कि इतने उदास क्यों लग रहे हो तुम? क्योंकि हम दो आए कोई हीरोइन नहीं है इसलिए। हम लोग को घर वालों ने बोल के भेजा था कि भाई शिवम को बोलना कि उनका डांस वांस भी देखना है, हीरोइन होना जरूरी नहीं है, ये लड़कियां कोई हीरोइन से कम थोड़ी है। क्या बात है सर, क्या बात कही है। और अच्छा शिवम, हम लोग ना है ना कुछ एक आउटफिट लेके आए, हमने बाजीगर फिल्म बनाई थी तो शाहरुख को हमने कॉस्ट्यूम पहनाया था। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। हाँ तो वो लेके आया तो बोला वो पहन के हो जाए तो वो बात भी ताजा हो जाए। क्या बात है, देखिए और पूछ। और शिवम के रूप में हम शाहरुख खान को देखेंगे आज। आ जाओ शिवम। दिल थाम के बैठिए, आ रहे हैं। ओह माय गॉड, पापा शिवम एज पापा बाजीगर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। ओ मेरा दिल था पीला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर।
बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। वाह क्या बात है, सुपर सुपर वेरी मैन। क्या खाता है तू गेंडे? आदि आदि बाजीगर को लड़कियों की नजर उतारता पहली बार देखा। अरे अरे पीछे तो मुड़िए, पीछे बाजीगर लिखा हुआ है। अच्छा लेकिन शिवम मुझे एक लॉजिक समझाओ, जब आंख पे ऐसे पट्टी डाली तो बाकी ऐसा करने की क्या जरूरत है? बाजीगर मैं बाजीगर। कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शिवम के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्या बात है। और अब परफॉर्म करने आ रहे हैं द नेक्स्ट बिग थिंग, ऋषि सिंह।
थैंक यू सो मच. ऋषि, व्हाट अ हिस्टोरिक परफॉर्मेंस. सुपर स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस होने चाहिए कि आज ऋषि ने इतिहास रच दिया ये परफॉर्मेंस से. ओ माय गॉड, क्या परफॉर्मेंस. स्मैश्ड इट. ओहो, अब्बास भाई और मुस्तान भाई भी आ गए. ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ भूल जा. आज ये गाना सुन के हम लोग को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा. हम लोग एक पिक्चर के लिए इनको साइन करते हैं. क्या बात है, वाह. एक पिक्चर के लिए साइन. एब्सोल्युटली. सिंगर एज वेल एज एक्टर. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है. अब्बास भाई और मुस्तान भाई के साथ में जिसने भी शुरुआत की है उनकी करियर कभी खत्म ही नहीं हुई. वो चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए. ये बहुत नजर है इनकी. ऋषि, तुमने मौसम बदल दिया. थैंक यू सो मच ऋषि. और अब परफॉर्म करने आ रही हैं शेजूती दास. एक्चुअली आदि भैया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ. जी जरूर कहिए. जब से मैं एनएल में आई हूँ तब से मुझे बहुत सारा प्यार मिला है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और इतना बड़ा मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ अपने से. तो मेरा जो म्यूज़िक के लिए ड्यूटीज़ हैं और मुझे लगता है वो मैं पूरा कर रही हूँ, लेकिन मेरा और एक ड्यूटी बनता है जो सबसे मेन ड्यूटी है मुझे लगता है ऐसा जी. कि मेरे पेरेंट्स के लिए जो मेरा ड्यूटी है तो वो मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हूँ. तो ऑब्वियसली मेरे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है आज भी. इवन आज भी वो मतलब कोलकाता में हॉस्पिटल में है और मम्मी उनको लेके गई है आंखों के ट्रीटमेंट के लिए. तो उनको ग्लूकोमा आया है तो स्ट्रोक के बाद एक और चीज. तो मुझे उनके पास होना चाहिए लेकिन मैं नहीं हूँ. तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खटक रहा है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती इतना ज़्यादा. इवन मेरे घर पे अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है क्योंकि इसी साल मेरे बारे बुआ का भी डेथ हुआ है. तो भी मैं नहीं जा पाई थी उनके पास क्योंकि मुझे मुंबई में थी मैं. तो मतलब सबका भी तबीयत ख़राब चल रहा है घर पे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जितना भी हो सके कि यहाँ पे मैं रह के अच्छे से ध्यान दे के मैं कर रही हूँ कोशिश. और मैं अपने पेरेंट्स को मैं मिल नहीं पा रही हूँ, उनके लिए कर नहीं पा रही हूँ कुछ भी. मम्मी अकेली प्रेशर लेके कर रही है क्योंकि घर पे और कोई भी नहीं है, मेरे कोई सिबलिंग्स भी नहीं है तो नहीं कर पा रही है. तो मैं पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, ये बोलना ठीक भी होगा कि नहीं, बट आई रियली वॉन्ट टू क्विट द शो. क्या बोला आपने? आई रियली वॉन्ट टू क्विट द शो. आप एक ऐसे स्टेज पे हो लाइफ में जहां पे अभी अभी शो के दौरान आपको जो पहचान मिलनी चाहिए वो मिल रही है, पूरी दुनिया से मिल रही है. और आपका ये कहना कि आप छोड़ के जाना चाह रही हैं, ये इस मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा. इट्स क्योंकि पेरेंट्स के साथ में होना ऐसे मौके पे जब उनको आपकी ज़रूरत है, इट्स आई थिंक हम सब उस जगह से गुजर चुके हैं. ये जो दर्द है मतलब जुदा होने का, ये कोई छोटा सा या मामूली दर्द तो नहीं होता. सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. मगर अगर हिमेश जी अगर इजाज़त देंगे आप, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको एंड पूरे दिल से कह रहा हूँ. डोंट थिंक कि इस स्टेज पे हम आपको खोना चाहते हैं फ्रॉम दिस कॉम्पिटिशन.
आप अपने पेरेंट्स को बॉम्बे ले आइए, उनकी जो देखभाल है वो हम करेंगे, यहाँ पे सब अरेंजमेंट सारे करेंगे। आपको ऐसा कभी नहीं सोचने की जरूरत है कि मैं अकेली पढ़ रही हूँ उस लड़ाई में। वी आर विथ यू, और मतलब आपको कोई भी जरूरत पड़े, थोड़ी सी भी डॉक्टर की जरूरत पड़े, आप मुझे फोन करो, आप हमें फोन करो, यहाँ पे वी विल ऑर्गेनाइज इट फॉर। बिल्कुल, जो चाहिए। लेकिन आप जैसा टैलेंट खोना नहीं चाहेंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि जैसे उनको कन्वीनियंट हो वो तैयार हो जाए, ठीक है? और जब वो तैयार हो जाए आप मुझे फोन कीजिए, आपके टिकट्स पहुंच जाएंगे उनके पास। लेट देम कम टू बॉम्बे। और वो आपके पास रहेंगे, यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी देखभाल होगी। और संजीति, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स वी हैव, सो वी कैन नॉट लूज यू। आप जाएंगी भी नहीं, और आपके मम्मी डैडी यहाँ पर आएंगे, और बहुत ही निश्चिंत होके आज आप परफॉर्म कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.
यू, थैंक यू सो मच. बात है संजुति, तुमने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिया है. सी व्हाट अ वंडरफुल सिंगर यू आर. कि पूरा माहौल इतने स्ट्रेस में होने के बावजूद भी तुमने अपने सारे दुखों को भूलकर जिस शिद्दत के साथ परफॉर्म किया वो दिखाता है कि तुम में कितना पोटेंशियल है. और वो पोटेंशियल तुम अगर छोड़ के जाना चाहती थी तो म्यूजिक के साथ बहुत नाइंसाफी होती. बहुत बहुत जबरदस्त, कमाल है, कमाल है. संजुति आप तो कहीं नहीं जा रही है ना, आप नहीं. आप हमारे साथ रहेंगी ना. हाँ. और कुछ कहना चाहती हैं? मैं आज से दुगनी तिगनी मेहनत करूंगी और फुल अगर हक से मैं ट्रॉफी जीतने की कोशिश करूंगी. बिल्कुल बिल्कुल, ये बात. इतना अच्छा लगा कि ये गाना इतने सालों पहले हुआ था, इन्होंने कंपोज किया था, आज की तारीख में गाना गाते तो आप ही से गवाते हो. क्या बात. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. अच्छा, इस गाने की एक छोटी सी हिमेश जी की कहानी है, छोटी सी बता देते हम लोग कि हमरस जो इस फिल्म का जो गाना है, हमरस फिल्म का, तो ये टाइटल जो है वो म्यूजिकल टाइटल नहीं है. तो हमारे सब गाने रिकॉर्ड हो चुके थे और हमने हिमेश जी से कहा कि हमको टाइटल सॉन्ग चाहिए. तो बोला एक म्यूजिकल वर्ड नहीं है, फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट. हमने बोला हॉन्टिंग मेलोडी चाहिए. तो एक दिन रात को 12:30 बजे 12:30 रात को फ़ोन आया इनका कि एक मैंने कंपोज किया है गाना, आप ज़रा सुन लेंगे. हमने बोला अरे इमीजिएटली आइए. तो हमारे उधर आए गाने में, ये खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, स्टीयरिंग पे बैठे हुए थे, अब्बास भाई बाजू में बैठे, मैं पीछे बैठा और गा के सुनाया, ये गाना गा के सुनाया और जो रिदम है वो स्टीयरिंग व्हील पे ऐसा बजा रहे थे. तो वही हमने सुना, बोला सुपर फैंटास्टिक, दिस इज डन, कल ही रिकॉर्ड कर लो. हाँ, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अब्बास भाई, मुस्तान भाई. संजू जी, तुमने इतना अच्छा गाया है कि मैं तुम्हारे साथ दूसरा अंतरा जो इस गाने का है वो गाना चाहता हूँ. यस सर, थैंक यू सर. छोड़ नहीं देना वादा ये वफा का, तोड़ नहीं देना. तुम हो तुम ही हो, संजुति फॉर द हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग. आपने मौसम बदल दिया. थैंक यू सर. अब्बास जी, मुस्तान जी, मेरा सवाल है आपके लिए. सर, जब बाजीगर फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे थे तो उसमें ऑफ कोर्स शाहरुख सर थे, बट साथ ही साथ दो न्यू कमर एक्ट्रेसेस के साथ आपने एक साथ काम किया है, शिल्पा शेट्टी जी और काजोल जी. तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? दोनों लड़कियां 17 साल की थी, दोनों 17 ईयर्स. वाओ. तो दोनों के साथ काम किया तो हम लोग को मालूम था कि काम बच्चों से कैसे निकालना है. जी सर. तो पहले हम लोग बहुत टेंशन में थे कि भाई इनसे काम कैसे निकालेंगे. जी सर. शिल्पा को जैसा गाना गाती थी तो लिप सिंक करना होता है. जी. लिप सिंक वो उसको प्रॉब्लम आ रहे थे, इश्यूज आ रहे थे. जी. तो फिर भी वो
प्रैक्टिस करवाया, सरोज जी ने करवाया, सरोज खान ने जी, और उसको गवाया तो उसने वो भी किया। काजोल इतनी लाइवली, इतनी बबली, हंसती रहे, मजाक करती रहे सेट पे, सब कुछ करती रहती थी। एक एग्जांपल दे दो कि एक सीन था जहाँ शिल्पा को ऊपर से शाहरुख जो ऐसा फेंक देता है, तो उसकी नीचे होकर डेथ हो जाती है जी। तो उसके बाद क्या था, काजोल उसकी बहन का रोल प्ले कर रही थी, तो काजोल को आना था रश करके और अपनी बहन की डेड बॉडी को देख के उसको रोना था, और उस पहले सुबह से टेंशन में थे कि काजोल से कैसे काम कर रहे। जैसे काजोल को हम लोग समझाने लगे और वो तो हंसने लगी। जैसे शिल्पा शेट्टी वहाँ पे रोड पे पड़े थे ना जी, तो ऐसा उठ के देखती थी कि काजोल तो हंस रही थी, अरे मुझे ऐसा करना है, हाँ ही हुआ। तो हम लोग बोला अरे भाई तो टेंशन हो गया, क्या करें। तो हम लोग ने क्या किया, आज एक कैमरा नहीं लगाता, हम लोग चार कैमरा लगाते हैं और पूरा एक वन शॉट में कैप्चर करते हैं जी, परफॉर्मेंस पूरा एक ही साथ में हमको चाहिए था। करेक्ट। तब बस मैंने काजोल को क्या बोला, जस्ट इमेजिन कि जो शिल्पा है उसकी जगह तुम्हारी यंगर सिस्टर है ना, छोटी बहन तनिषा, अगर वो है और तुम इमेजिन करो कि वो ऐसा है, गिरी हुई है और तुमको आना है, तो जैसे इतना बोला ना तो शी स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगी। वो रोने लगी, एकदम रोने लगी। सबने बोला इमीजिएटली टेक करो, सीधा गाड़ी में आना था उसको, उसने गाड़ी चुप भी नहीं रही थी, वो गाड़ी तक भी नहीं जा रही थी। वाह, तो उसको ऐसा लगा है तनिषा है। तो जो गाड़ी आके रुकती है ना, तो गाड़ी रुकने से पहले वो दरवाजा खोल के उतर गई। अभी भी शॉट देख सकते हैं आप। तो जाके उसने परफॉर्म किया, बहन को लिपट गई, जो नेचुरल रोए विदाउट ग्लिसरीन एनीथिंग रोए, और शाहरुख और उसको आगे लेके जाते हैं ना तो उसको संभल नहीं सकते, इतना उसको उसे लेके जाना पड़ेगा, एक शॉट में दिया सीन। क्या बात है, शॉट ओके हुआ, क्या बात है सर। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस इनक्रेडिबल स्टोरी। और अब फिर से बनने जो आया किंग विनीत सिंह। Oh, yeah.
थैंक यू थैंक यू। विनीत, बार बार तुम यही प्रूव करते हो कि जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ रफी साहब के गाने गा सकते हो। जब तुम दूसरे जोन के गाने गाते हो तब ये प्रूव कर देते हो कि भाई एक अच्छा सिंगर होता है। वर्सटाइल हो तुम और बहुत ही बुलंद आवाज है तुम्हारी। योर सिंगिंग वॉज फैंटास्टिक। ये गाने के पीछे एक छोटी सी कहानी मैं बता देता हूँ कि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ जी सर, तो जावेद अली ने गाया जी सर, तो बाद में प्रीतम ने कहा कि ये तो स्क्रैच है, हम कोई अच्छे सिंगर से गवाते। हाँ, तो हमने बोला कि नहीं, प्रीतम को और रमेश जी को, टिप्स के प्रोड्यूसर जो रमेश तौरानी जी सर, उनसे कहा कि नहीं ये गाना जावेद से, बोला ये नया सिंगर है, मतलब नए और पुराने की बात नहीं है, जो इस तरह प्यार से जो दिल से गाया है वही रहना चाहिए, और फिर वही रहा। क्या बात क्या बात। अब्बास जी, मुस्तान जी, मैंने जब भी आप दोनों को देखा है सर से पांव तक सफेद में देखा है सर, कभी और कोई रंग पहनने की ख्वाहिश नहीं हुई? देख, ख्वाहिश तो है लेकिन कपड़े ही नहीं है ना, कपड़े ही नहीं कलर है। तो होती है लेकिन सर, आज मैं दो जैकेट्स लेकर आया हूँ, अरे रंग बिरंगे, तो आज अब्बास जी और मुस्तान जी कलर की जैकेट पहनेंगे। ऑडियंस क्या आप एक्साइटेड हो? माय गॉड, पागल हो गए। किसी ने कभी ये नजारा देखा ही नहीं सर, ये सिर्फ इंडियन आइडल पे हो सकता है। विशु सर, ओ बड़ा कलरफुल। स्टाइल हो तो ऐसा, स्वैग हो तो ऐसा, और हमको याद रहेगा इंडियन आइडल में हमने कपड़े पहने, ये तो याद रहेगा। अब्बास जी, मुस्तान जी, आपने कई कमाल के एक्टर्स के साथ काम किया है, और सरप्राइज, आप ही की फिल्म की एक लीडिंग एक्ट्रेस आज हमारे बीच मौजूद है, और वो आपसे मिलना चाहती है। क्या बात करते हो, प्लीज वेलकम आयशा जुल्का, everybody, जोरदार तालियां। What a pleasant surprise, आयशा जी। I'm so happy. This is the best moment for me, really. बहुत emotional feeling आ रही है। वापस वही साल याद आ रहे हैं, खिलाड़ी याद आ रही है। खिलाड़ी के वो दिन, वो मस्तियाँ, वो डांटे जो हमने खाई हैं, क्योंकि हम डांटे खाई है। हाँ, मैं ये नहीं बताऊंगी किसको डांट पड़ती थी, लेकिन पड़ती थी। ठीक है। और अगर वो मुझे भी डांटना चाहते थे तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो कहते थे तुम ऐसे मत करा करो, क्यों तुम गन्ने का जूस पीने चले गए, क्यों तुम नहीं आए, शक्ति जी वेट कर रहे, याद आया। खिलाड़ी आज भी मेरे साथ साथ रहती है, और वो फिल्म की वजह से जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ के गाने, वहाँ की यादें कभी भी खत्म नहीं होंगी। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Aisha ji. What a pleasant surprise. Oh, my God. They're so pleasantly surprised. अब वो जिनके पापा उन्हें और पापाओं की तरह टीवी लेकर नहीं दे पाए, भले ही पापा बेटी को टीवी नहीं दे पाए, पर ऐसा बनाया कि आज बेटी टीवी के बेस्ट शो की सबसे कड़क सिंगर है। तभी जो बेटी अपने पापा के कदमों में रख देना चाहती है दुनिया का हर जॉय, देवोश्मिता रॉय।
तुम सा कोई दूसरा जमी पे हो तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हो तो कयामत से पहले कयामत होगी। बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आज सुन के अच्छा लगा कि जो हिमेश जी बाजू में मेरे उन्होंने कंपोज किया था और जो गाने में फीलिंग है, इमोशन है, जो मेलोडी है, ये सुन के वापस अरे इतनी खुशी हो रही है कि डेबो रियली रियली तुमने बहुत अच्छा गाया। तुम्हारी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में हमने काफ़ी सुना है और तुम्हारे डैडी तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारे के जो कुछ किया है तो आज तुम उनको प्राउड फील कर रहे होंगे, वो ये सुन के ये देख के वो प्राउड फील कर रहे होंगे। रियली हाँ, कीप इट अप और ऐसे ही करते रहे। और हम लोग भी एक बात और बताऊँ कि हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि मदर फादर की दुआएँ हमारे साथ में हैं, ऐसा हम लोग बिलीव करते हैं। बेशक सर। और जब हमारे खिलाड़ी पिक्चर बाजीगर पिक्चर जब रिलीज हुई तब हमारे घर में टेलीफोन नहीं था, तो हम भी ऐसे घर में रहते थे कि जहाँ बस एक कॉल हुआ करता था, बस एक ही रूम में सब लोग पूरी फैमिली रहती थी और फ़ोन भी पड़ोस में होता था, हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। तो जो अपनी मेहनत करके जो आगे आए वो हमेशा याद रखना चाहे और इसी तरह तुम भी आगे बढ़ो और सब करो, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जजेस, देवोश्मिता की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।